तो हे गाइस, मेरा नाम है अनिश रॉय और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डरफेस्ट ओएस के बारे में। मैं डरफेस्ट ओएस के टॉप 3 फीचर्स के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है एंड्रॉइड 12 के साथ, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ बात करेंगे भाई डरफेस्ट ओएस के बारे में। मेरे को शुरुआती से ही बहुत पसंद है ये डरफेस्ट रोम, और डरफेस्ट रोम जो एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है, मैंने सोचा कि भाई कब आएंगे, लेकिन साथ साथ मेरे हाथ में प्रस्तुत है ये डरफेस्ट ओएस। भाई आज इस वीडियो में मैं डरफेस्ट ओएस के सारे राज खुलासा करने वाला हूँ, क्या कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, फिक्सेस बग्स देखने को मिलता है। तो भाई मेरा नाम अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि डरफेस्ट ओएस जो है यहाँ पे आपको सब कुछ गूगल एप्स दे देता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे जो वेनिला बिल्ड देखने को नहीं मिलता है डरफेस्ट रोम में, आपको जी एप्स वर्जन वाला ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ही फ्लैश किया है कम्युनिटी एंड्रॉइड 12 का, पता नहीं है ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ चीजें मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे अनऑफिशियल है या ऑफिशियल है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो है एज इट इज वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा इस रोम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लॉन्चर की। लॉन्चर में आपको यहाँ पे जैसे मैं होम स्क्रीन में चला जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक पहला फीचर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्स देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 12 में मेरे को मतलब इसी रोम में देखने को मिला है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी एक ऐप को लॉक करोगे, जैसे कि मैं सीपीयू थ्रॉटल को लॉक कर दे रहा हूँ, तो अभी मैं सीपीयू थ्रॉटल को खोलूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ आप देख सकते हो पासवर्ड मांग रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि भाई हर एक रोम में होना चाहिए, हर एक अंडर 12 रोम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया, ठीक है, इस रोम में। तो यहाँ पे बात करें विजेट्स की, तो विजेट्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉइड 12 पे लगा हुआ है, जो कि एंड्रॉइड 12 में आपको देखने को मिलता है, कॉमन बात है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक में आप और भी विजेट्स ऐड कर सकते हो आपके मन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जो ये कलर है, ये कलर भी अच्छे तरीके से चेंज करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे बैकग्राउंड का ये कलर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड फीचर है जो कि सबसे पर्सनली मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू डरफेस्ट स्टे डर्फ्ड, और यहाँ पे अलग अलग मैसेजेस शो करता रहेगा जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अनोखा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है तो मुझे क्षमा कर देना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है बाहर, तो थोड़ा सा यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है तो उसको इग्नोर करो। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता ही रहा हूँ यहाँ पे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ ऐप्स आपको गूगल के देखने को मिलते हैं, एज सच यहाँ पे कोई भी एओएसपी का ऐप देखने को नहीं मिलता है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यहाँ पे कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी ऐप देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे सब कुछ गूगल का ही देखने को मिलता है। क्लॉक भी गूगल का है, कॉन्टैक्ट गूगल का है, यहाँ पे कैमरा गूगल का है, लेकिन यहाँ पे मतलब कैमरा गूगल का नहीं था, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का था, लेकिन मैंने यहाँ पे जीकेएम को डाल रखा है और अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वन प्लस का भी कैमरा डाल रखा है जिसमें वाटरमार्क आपको देखने को मिलता है। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आई बटन को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेटिंग्स की, और सेटिंग्स में जैसे ही आपको नॉर्मल एंड्रॉइड 12 में जितने भी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं वैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो फोन स्टाइल है वो चेंज आपको देखने को मिलता है, जो कि आप ये भी कर सकते हो इस एंड्रॉइड 12 रोम में। तो भाई बाकी में आपको बहुत ही अच्छा तरीके से सर्विस करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे डर्फ स्पेस में, बाकी सब तो एक ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ जो एंड्रॉइड 12 में देखने को मिलता है नॉर्मली एंड्रॉइड 11 में एंड्रॉइड 12 में वैसे आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटस बार की बात करें डर्फ स्पेस में, तो यहाँ पे आपको बैटरी सेटिंग्स देखने को मिलता है, करियर लेवल देखने को मिलता है, क्लॉक एंड डेट सेटिंग्स देखने को मिलता है, स्टेटस बार आइटम्स देखने को मिलता है, ट्रैफिक इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, मिसलीनियस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मिसलीनियस मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक करके जो है आप कस्टमाइजेशन छेड़छाड़ कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे 4G आइकन को इनेबल कर सकते हो, डेटा डिसेबल आइकन को यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ब्लूटूथ बैटरी आइकन देख सकते हो यहाँ पे, ये भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे कलर आइकन भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, डरफेस लोगो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं इसको इनेबल करता हूँ, आई मीन डिसेबल करता हूँ, वैसे ही हट जाता है, वैसे मैं इनेबल करता हूँ ये ऑटोमेटिकली फिर से आ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बग आपको एज इट इज यहाँ पे फेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें क्विक सेटिंग्स पैनल की, यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में इतना ही आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। और क्विक सेटिंग्स की बात करें तो क्विक सेटिंग्स में आपको भर भर के यहाँ पे फिर से कस्टमाइजेशन ऐड किया गया है। एनिमेशन आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये एनिमेशन को लगा रखा और अच्छी तरह से काम भी कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे एनिमेशन जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पे, और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लुक दे रहा है आपके इस रोम को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सेटिंग्स की ओर चल के बता देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस क्विक सेटिंग्स में। यहाँ पे और भी आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लर मीडिया आर्टवर्क भी देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई भी गाना लगाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लर वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है।
मैंने पानी पानी लगा रखा था, तो यहाँ पे आपको पानी पानी देखने को मिलता है। ब्लर वहाँ पे आप ब्लर इंटेंसिटी को भी आप यहाँ पे बड़ा घटा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लॉक स्क्रीन की बात करें, लॉक स्क्रीन में आपको लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे हाइड बॉटम आइकन्स आपको देखने को मिलता है। ये मैंने इनेबल कर रखा है, डिसेबल अभी कर देंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इसको डिसेबल करता हूँ वैसे ये हट जाता है, तो मैं इसको यहाँ पे देख सकते हट गया है। तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया है, अच्छे से काम भी कर रहा है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कौन सा शॉर्टकट्स आपको चाहिए। लॉक स्क्रीन यूआई में बात करें, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सक्सेस वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन देखने को मिलता है, ऑलवेज शो स्मॉल क्लॉक देखने को मिलता है। मतलब ये फोर्स करके रख देगा कि आपका जो क्लॉक है वो बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे छोटा कर देगा। ठीक है, ये बड़ा है तो अभी जैसे इसको इनेबल देख सकते हो, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। स्क्रीन ऑफ आपको एनिमेशन देखने मिलता है, जैसे आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छे तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे शो मीडिया आर्ट प्रॉक ये भी अच्छे तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कस्टमाइजेशन सिस्टम की और बात करते हैं, आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे मॉनिटर इंजन आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे एक्यूरेट साइज देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे काम भी कर रहा है। और यहाँ पे ये वाला कलर जो है थोड़ा सा और भी ऑरेंज टाइप का हो गया, मतलब येलो टाइप का हो गया, तो ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल आइकन्स वगैरह भी आप छेड़छाड़ कर सकते हो। और ये जो है भाई, मतलब बहुत ही ये जो एक फीचर है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप अपने कस्टमाइजेशन देख के कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कौन सा कस्टमाइजेशन जैसे क्या लगेगा, तो ये वाला आप कर सकते हो, जो कि भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, हेडलाइन बॉडी स्टाइल यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, फंड स्टाइल ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंड कैसा फंड है, और उसी अकॉर्डिंग आप फंड को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्वर वगैरह ऐड कर रखा है, तो मैं पिक्सेल फंड ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सेल फंड का भी ये आपको चेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है, आइकन पैक वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आइकन पैक यहाँ पे मैंने पावलोवा यूआई लगा रखा है, यहाँ पे आप दूसरा कुछ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे ये काई है। ठीक है, ये वाला भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, तो मैंने इसको पावलोवा ही करना है, क्योंकि मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है, सिस्टम यूआई रिस्टार्ट। तो भाई अब बात करते हैं बग्स के बारे में। तो बग्स जो है बहुत ही मेजर बग्स है, और बहुत ही अच्छा खासा बग्स है, जो कि भाई फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बग्स नहीं रहने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सबसे पहले बहुत ही खतरनाक बग देखने को मिला, वो है यहाँ पे आपका जो चार्जिंग स्पीड है वो यहाँ पे आपको गलत शो करता है, कितना मतलब 100,000 कितना आपको देखने को मिलता है एमएच, लेकिन उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये भी एक बग है, तो ऐसे में नॉर्मली चार्ज ही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला बग भी फिक्स हो जाए तो भाई बहुत ही मजे ही आ जाए। ठीक है, तो भाई एंड्रॉइड वर्जन सिक्योरिटी पैच की बात करो, तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें डरफेस वर्जन की, तो यहाँ पे देख सकते हो 12 कम्युनिटी सियोन लेवेंडर देखने को मिलता है, कम्युनिटी बिल्ड है। तो पता नहीं ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, मेंटेनर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, चेंज लॉग आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 5 जनरेट का है देखने को मिलता है, कर्नल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, नेक्सस का EIS X9.4 देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई ये कर्नल आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगा, अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी दे देगा। तो भाई ये कर्नल जो है भाई बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा खासा बैटरी आपको दे देगा। ठीक है, अगर आप एक बार प्रेटेस्ट में कर ट्राई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, फ्लैश वगैरह करके आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो फिर से अलग मैसेज आ रहा है, बेस्ट रोम एवर आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई सच में ये भाई बेस्ट रोम है, लेकिन ये बग्स की वजह से मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो भाई इस रोम में मैंने कुछ टेस्ट किया है, और कुछ टेस्ट में आपको मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पे जैसे डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिल रहा है। डीएम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, 1080p का आप Amazon Netflix पर वीडियोस देख सकते हो। Geekbench स्कोर की बात करें तो Geekbench स्कोर में आपको यहाँ पे जो पोर रिजल्ट देखने को मिलता है 322 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पोर ही मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज उतना अच्छा आपको इतना खास देखने को नहीं मिलता है। किसी भी अच्छा अच्छा स्कोर मेरे को Redmi Note 7 में मिले हैं, तो ये वाला एज इट इज खास कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो सीपीयू थ्रॉटल इंडेक्स में आपको यहाँ पे 87% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस गया है, तो 13% थ्रॉटल देखने को मिल रहा है, तो बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन भाई फिर भी इतना ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें मेरा यहाँ पे जो वन प्लस का कैमरा है उससे मैंने क्लिक किया है, देख सकते हो वन प्लस का लोगो से, तो भाई बहुत ही कूल लग रहा है। तो भाई और एक फीचर जो है मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो है, यहाँ पे जैसे आप सिक्योरिटी में जाओगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो रिबूट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ऑटो रिबूट कर सकते हो 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, आधे घंटे बाद। इसका मतलब ये है कि जब आप फोन यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर अगर आपको किसी को एक्सेस नहीं देना है आपका फोन, मान लीजिए आपका कोई भी फोन आप जब सोते हो तो आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट काम करता है, तो मतलब आपका फिंगर लेके कोई अनलॉक करके कुछ आपका पर्सनल डिटेल्स देख लेगा, तो इससे आपका क्या होगा, तो ये रिबूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जिस टाइम पे, मान लीजिए मैंने 1 घंटे बाद यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे ये जो 1 घंटे बाद रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होने के बाद ये फिर से जब रिस्टार्ट होगा, तो आपको सब लोगों को पता ही होगा कि एंड्रॉइड में एक चीज ऐसा है
जब आप रिबूट वगैरह करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आपका फिंगरप्रिंट से नहीं खुलेगा। तो ये एक अच्छी बात है जो कि भाई हर एक एंड्रॉइड 12 या फिर एंड्रॉइड में किसी भी मतलब कोई भी एंड्रॉइड रोम हो, चाहे वो स्टॉक हो या फिर कस्टम हो, आपको देखने को मिलना चाहिए। और बहुत ही अच्छा खासा बहुत ही हैंडी फीचर है और मेरे को भाई काफी ज्यादा पसंद आया। तो भाई यही था इस फुल रोम के बारे में, फुल डिटेल रोम के बारे में रिव्यू। तो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जैसे कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।